मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। आयलाल झूलेलाल के जयकारों से कभी नगर गूंजा करता था चेटीचंद पर्व पर, और लेकिन इस बार जो है भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में जो लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, उसको देखते हुए सिंधी समाज ने निर्णय लिया कि इस बार जो है झूलेलाल जन्मोत्सव धूमधाम के साथ नहीं मनाया जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे सिंधी परिवारों में घर घर में ही आज भगवान झूलेलाल की आरती उतारी गई। गजानंद भूत गणानिसेवितं कपितजं बुफलचारुभक्षणं मासुच्छोकविनाशकारकं विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोले भगवान झूलेलाल महाराज की जय। आयो लाल सभी चलो मिलि करि और पूजन किया गया। सभी ने ही घर में ही मीठे चावल का प्रसाद बनाकर आपस में ही वितरित किया और भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए। बोले भगवान झूलेलाल महाराज की जय। सभी चौमिल करे आयो लाल झूलेलाल। झूलेलाल जयंती महोत्सव हम अपने परिवार के अंदर मना रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से नगर में कोई भी झूलेलाल जयंती नहीं मनाई गई है। सिंधी समाज के सभी भाइयों से निवेदन किया गया है तो सुबह अपने अपने घर में आरती रख करें और शाम को दिए जलाएं और झूलेलाल उत्सव अपने घर में मनाएं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का हम पालन कर रहा है। आज पूरे विश्व में श्री झूलेलाल जयंती घरों में ही मना रहे हैं।
हमारे सिंधी समाज का आज इष्ट देव झूलेलाल महोत्सव है और जिसको हम प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरा शहर उमड़ के एक जगह एकत्रित होकर हम बड़े धूमधाम से ये प्रोग उत्सव मनाते हैं। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे झूलेलाल की सवारी के साथ में अन्य सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं शहर में। कोरोना वायरस संक्रमण के को देखते हुए हम लोगों ने इस वर्ष का ही हमारा इष्ट देव का जन्मोत्सव है जो बड़े धूमधाम से मनाते हैं उसको हमने स्थगित कर दिया है। और ये हम सब सिंधी समाज के लोग अपने अपने घरों में इसको आपस में और हम बहुत सूक्ष्म रूप से इस वर्ष इस झूलेलाल जयंती को मना रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से करने का निर्णय लिया है। जय झूलेलाल। गीत गाए वहीं सभी ने मिलकर जो है भगवान झूलेलाल के समक्ष प्रार्थना करी कि हे झूलेलाल पूरे संसार से पूरे भारत के साथ साथ पूरे संसार से जो है जो ये कोरोना वायरस के रूप में बीमारी फैली हुई है इससे सभी को मुक्ति दो और इससे सबको बचाओ। तो ये प्रार्थना सभी घरों में की गई और इसी के साथ सभी घरों में ज्योत प्रज्वलित करके भगवान झूलेलाल की जयंती बड़ी सादगी के साथ मनाई। जब जब धरती पर भक्त पुकारते हैं परमपिता परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे ही सिंधी जन जो है जल की पूजा करते थे, जल के उपासक हैं। जब सिंध में मृखशा शासक हुआ करता था और उसका अत्याचार बढ़ गया और उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया तो ऐसे में जो सिंधी जन हैं उन्होंने खाना पीना छोड़कर सिंधु नदी के किनारे पर उपासना की और अपने देव को पुकारा। तब जल देवता वरुणा अवतार भगवान झूलेलाल जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जल्द आपके यहाँ जन्म लेकर ये सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाऊंगा और मैं आपका जो है कल्याण करूंगा। इस तरीके से 7 दिन के बाद चैत्र मास की दूज को यानी सन 951 में उनको भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ और वो बहुत ही जल्द अल्प आयु में ही एक युवावस्था में पहुंच गए। और इस तरीके से जब मृखशाह ने काफ़ी अत्याचार किए तब वो सीधे ही उसके दरबार में पहुंच गए और उनको पूरी तरीके से समझाया। जब वो नहीं माना तो उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए और इस तरीके से इस धरती पर जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं उनमें एकमात्र भगवान झूलेलाल ही ऐसे अवतार रहे जिन्होंने पापियों का सर्वनाश नहीं किया, संहार नहीं किया बल्कि उनका हृदय परिवर्तन किया। तो भगवान झूलेलाल ने मृक्षा को एक संदेश दिया, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया, मिलवर्तन का संदेश दिया और सबको यही समझाया कि सब एक परमात्मा की संतान है। तो इस तरीके से मृक्षा को जब ये बात समझ में आई तो वो चरणों में गिर गया और इस तरीके से आज भी जो है काफ़ी जो लोग हैं उन्हें जिंदा पीर के नाम से पुकारते हैं और उनका सजदा करते हैं। वहीं सिद्धि समुदाय जो है भगवान झूलेलाल की जो अमर ज्योत है उसे प्रज्वलित कर और ज्योत के रूप में भगवान झूलेलाल की आरती उतारता है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और इस तरीके से सन 964 में भगवान झूलेलाल जी जल समाधि लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तो तब से लेकर ये सिंधी समुदाय जो है भगवान झूलेलाल की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और पूरे देश भर में जो है उत्साह के साथ चेटीचंद पर्व होता है लेकिन जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं उसको देखते हुए बड़े सादगी के साथ भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया गया। आयो लाल सभी चौर झूले लाल जा।
की जय। झूले